ये मुझे बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगा, देख लो कुछ भी नहीं हुआ, भी काम नहीं आए, ये तो यूजलेस प्रोडक्ट। सो आप लोगों के हाई डिमांड पर ही मैंने मंगाया है इस बार रैंडम फाइंड फ्रॉम मीशो। बहुत सारे रैंडम यूनिक फाइंड मैंने मीशो से मंगाए हैं। इतना यूजफुल प्रोडक्ट सच में क्या मीशो पे मिलता है? जी हाँ मिलता है, ये सारे मैंने मंगाए हैं, चलो देखते हैं। ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर दिया है। ये है मॉइस्चराइजिंग हार्ट शेप्ड लिप ग्लॉस ड्यू, हाइड्रेट एंड टिंट ड्राई लिप्स के लिए है, और ये हार्ट शेप का है। ये प्रोडक्ट मुझे 137 रुपीज़ में मिला है, और ये 2 पीस आया है, देख सकते हो। ये हार्ट शेप का क्यूट सा लिप ग्लॉस, लुक एट द कलर, बहुत ज़्यादा क्यूट सा लग रहा था, देख सकते हो। 130 रुपीज़ में ये 2 पीस मिला है। तो सबसे पहले मैं इसको अप्लाई करके देखा, कुछ ओपन होता है ऐसे, और इसको अपने लिप पे लगाओ। वैसे मैंने लिपस्टिक पहले से लगा रखा है पिंक कलर का, तो है सेम ही कलर है, ग्रीन है तो ग्रीन ही है, पिंक ही दिखाएगा आई गेस। मैं ज्यादा अप्लाई नहीं करूंगी, बट मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ। लुक एट द ग्लो, बहुत ज्यादा स्वेट आ रहा है फेस पे। प्रोडक्ट मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है, कैसा लगा आपको प्लीज बताना कॉमेंट में। नेक्स्ट है ये स्टाइलिश रिंग फॉर गर्ल्स, स्ट्रेचेबल रिंग, जिसमें आपको वॉच मिलेगा, मतलब इस रिंग में वॉच भी मिलेगा, तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी और क्यूट लग रहा था, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगा तो मैंने मंगा लिया। तो ये वो प्रोडक्ट है। सो अभी इसका 249 प्राइस दिखा रहा है, बट मुझे ये प्रोडक्ट मिला है 231 रुपीज का। उसको अनबॉक्स करके देखते हैं। रिल सो देख सकते हो, ये ऐसे बॉक्स में। सबसे पहले इसमें ये सिल्वर कलर का रिंग है और वॉच है, जो भी कह सकते हो, और मैं इसको अभी आप लोग के सामने पहन के भी दिखाती हूँ। सो पर्सनली आई वुड से कि ये क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसका शाइन बहुत अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो मैंने इस रिंग को उल्टा पहना है, राइट, आई थिंक इट इज़ वन द राइट साइज। हाँ सो तो ये कुछ ऐसा आया, कॉस ही बहुत ज्यादा वर्थ लग रहा है, बहुत प्यारा सा देख रहे हो, बहुत यूनिक है। अगर आप पहनोगे कहीं भी जाओगे तो डेफिनेटली दे विल बी आस्क यू कहाँ से लिया और कितने का लिया, इसलिए क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है, और बहुत शाइन कर रहा है, कॉन्ट करने में बड़ा मजा आएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला, मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड उस रिंग से। नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ वुडन डिजाइनर वॉल हैंगर है, और ये कुछ ऐसे पैकेजिंग में आया है, देख सकते हो। प्रोडक्ट मुझे ये मिला है 119 रुपीज का, ये मुझे मिला है, एंड इसमें 3 सेट ऑफ वुडन हैंगर है, तो वॉल हैंगर है, सॉरी। तो ये वो, ओ माय गॉड, सो क्यूट, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं 99 मार्केट है DIY मार्केट में, तो क्या इतना सस्ता मिलेगा वो 3-3। चलो देखते हैं, सामने से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और पास से देखते हैं कैसा आया है। इतने में ही समझ में आ गया कि ये कैसा होगा। सो फर्स्ट वन दिस वाला, और इस पे लिखा है किचन ब्रिंग्स फैमिलीज टुगेदर, अमेजिंग, बहुत अच्छा है, स्टिफ है, काफी स्टिफ है, मतलब हैंग करने में काफी अच्छा लगेगा। सो द नेक्स्ट वाला है, ये देखो रेड कलर का है, कोट है, द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इट्स ऑलवेज लव, इज दैट, बहुत अच्छा लग रहा है, क्यूट सा है, रेड कलर का है, तो डेफिनेटली ये वॉल पे बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। इसकी भी क्वालिटी सेम है, देख सकते हो, सेम एज इट इज सेम। वन इज ब्लू वाला, मील एंड मेमोरीज आर मेड Here. ये कलर भी बहुत ज्यादा प्यारा है, देख सकते हो। तो आई वुड से कि 130 रुपीज में इतना अच्छा वॉल हैंग मिला है, तो ये रैंडम फाइंड तो मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट है ग्रोसरी बैग, शॉपिंग बैग, स्माइली प्रिंटेड, और ये पोर्टेबल है, बहुत ही ज्यादा यूनिक है और मैजिकल है। प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है 155 रुपीज में, तो आई थिंक दिस इज द वर्थ वन। चलो देखते हैं ओपन करके कि कैसा रिसीव हुआ है। तो ऑरेंज कलर निकल कर आ रहा है, और एक कलर है पर्पल, दो कलर आया है, और मुझे इसमें शो कर रहा है कौन सा कलर। इसमें बहुत सारे कलर है, मतलब वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कौन सा कलर देंगे, आई डोंट नो। देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। चीज तो सही मिला है, बस कलर चेंज आया है, तो इसको ओपन यू करना पड़ेगा आपको, ऐसे करके, ये ऐसे रहेगा, आप इसको ऐसे ओपन करोगे, लाइक क्लच की तरह ये दिख रहा है, क्लच, जैसे आपने क्लच कैरी किया है। तो ये वो बैग है, लाइक दिस, सो यूनिक, मतलब
बहुत ही ज्यादा यूनिक सा बैग है। हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो एक्स्ट्रा कैरी बैग में 50 रुपीज 20 रुपीज लगाते ही लगाते हैं। अगर हम लोग इस टाइप का कैरी बैग रख कर भी चलेंगे अपने पॉकेट में, वॉलेट में, बैग में, तो डेफिनेटली हम लोग को तो सेविंग होगा ही होगा, मतलब हम लोग के पैसे एक्स्ट्रा सेव हो जाएंगे। और ये तो रीयूजेबल बैग है तो डेफिनेटली आई गेस ये भी सेम तरीके से ओपन होगा। और ये कलर मुझे ज्यादा प्यारा लगा, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा ये कलर बहुत ज्यादा प्यारा है। साइज की बात करूं, यस साइज तो काफी अच्छी है, देख सकते हो काफी ज्यादा स्पेस है। यहाँ से देखो कितना अच्छा स्पेस है, आप आराम से जो बड़े बड़े बैग्स हम लोग खरीदते हैं मार्केट में, एंड भाजी लो चाहे कपड़े खरीदो चाहे कोई भी ए टू जेड कोई भी सामान खरीदो, काफी ज्यादा स्पेस इसमें आएगा। बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें देख सकते हो कितना अच्छा प्रिंट भी बना है, और पॉकेट देखो यहाँ से पॉकेट भी है। क्या चाहिए, मतलब मुझे कितने में मिला है, इतने रुपीस में आपको दो दो बैग मिल रहा है पोर्टेबल, जिसमें आपको स्पेस भी नहीं लगने वाला है। तो डेफिनेटली ये रैंडम फाइंड मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और कौन सा कलर आपको अच्छा लगा, मुझे तो ये वाला अच्छा लगा, आपको कौन सा लगा प्लीज बताना कॉमेंट में। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, आप बिलीव नहीं करोगे कि कॉम्बो ऑफर में ऐसा भी प्रोडक्ट मिल सकता है। यू कांट ट्रस्ट मी गाइस, सच में कॉम्बो प्रोफेशनल हेयर क्लिपर, ये प्रोडक्ट मुझे कॉम्बो में मिला है 349 रुपीज में। चलो देखते हैं ये कैसा आया है, ये मेरा हेयर स्टाइल के लिए। तो फर्स्टली ये निकल के आया है हेयर कर्लिंग रोलर आयरन, ओके। तो ये सबसे पहला ये मिला है, ये है आई गेस ये नोवा कंपनी में का है। और तो सबसे पहले ओपन कौन सा करते हैं, पहले कर्ल वाला ओपन करते हैं कि कितना काम का है। ओ माय गॉड, सो ये काफी लाइट वेटेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज्यादा लाइट वेटेड अभी दिख रहा है मुझे। और एक चीज बहुत अच्छा लग रहा है, अभी जस्ट मैंने नोटिस किया कि इसमें आपको हेयर के ऑप्शन मिलेंगे, लाइक आप हेयर को कॉम कर सकते हो लाइक दिस, और इसमें ऑप्शन है कर्ल का लाइक दिस, देख सकते हो कर्ल के लिए होल्डर है, और इसमें आपको ऑन ऑफ का बटन भी मिला हुआ है, और इसमें आपको केबल है, आपको केबल मिला हुआ है। तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ज्यादा वर्क करता है। नेक्स्ट वाला जो स्ट्रेटनर है, ये स्ट्रेटनर नहीं है बेसिकली, ये आपको आपके हेयर को थोड़ा सा, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटनर है, आपको आपके हेयर में थोड़ा ट्विस्ट लाता है। तो इसकी साइज मुझे बहुत अच्छी लग रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लास्ट टाइम जो खरीदा था वो काफी ज्यादा मिनी था, बट ये मिनी नहीं है, काफी ज्यादा मीडियम साइज कह सकते हैं आई वुड से। तो ये केबल मिला है और केबल अटैच है ऑब्वियसली। तो ऑन ऑफ का बटन देख सकते हो यहाँ से मिलेगा, ऑन ऑफ का बटन यहाँ से है, और ये क्रिम्प है, आई डोंट नो, बहुत अच्छा ट्विस्ट करता है बाल में। तो ये नोवा कंपनी है, कलर बहुत ज्यादा क्यूट है, तो कितना ज्यादा वर्क करता है मेरे ऊपर, चलो उसको देखते हैं ट्राई करके। लाइक दिस, मैं रोलर बहुत ही कम यूज करती हूँ अपने बालों पे, लेट्स सी, मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ, सो ट्राई करते हैं कि ये कैसा होता है, मेरा बाल ना जले आई होप। काफी टाइम तक नहीं लिया, थोड़ा सा पतला सा लेयर लेती हूँ आई गेस, थोड़ी देर इसको रखते हैं फिर शायद बहुत अच्छे से ये हो जाएगा। ओ माई गॉड, बहुत ही अच्छा कर्व है, रफली तो मैंने इसको किया है, सोचो अगर मैं अच्छे से इसको करूंगी तो ये काफी अच्छा रिजल्ट देगा होपफुली। तो मुझे कल तो बहुत ज्यादा प्यारा थोड़ा लग रहा थोड़ा ही लेकर ही करते हैं जहां तक मुझे पता है, तो चलो थोड़ा सा लेकर इसको हेयर को ट्विस्ट करते हैं। आप लोग बताओ देखकर कि सच में रिजल्ट कैसा दे रहा है, तो पास से देखो, मैं जैसा मुझे पता है वैसा ही मैं इसको यूज कर रही हूँ। ये मुझे बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगा, देख लो कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं आया, ये तो यूजलेस प्रोडक्ट है। फर्स्ट वाला बहुत ही अच्छा था बट ये मुझे थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड लग रहा है, मे बी मैं ठीक से इसको कर नहीं पा रही हूँ, मे बी इसको ज्यादा देर तक हीट करना हो, बट आई थिंक मैं इसको कर नहीं पा रही हूँ या ही ज्यादातर हीट नहीं हो रहा है। तो मैं रिकमेंड करूंगी आप दोनों ही लेना, क्योंकि मे बी अब मुझे यूज करना ना आ रहा हो ठीक से, बट आप बेटर यूज कर पाओगे। सो नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये क्यूट सा हार्ट शेप हुक, बहुत ही ज्यादा हुक हुक बोलते हैं इस इयरिंग को मे भी। तो ये देख सकते हो हार्ट शेप का ये हुक इयरिंग है,
जैसा कि मैं अभी पहन रखी हूँ, बट मैं अभी जस्ट आपको पहन के दिखाती हूँ कैसा लगता है। और ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, देख सकते हो दोनों ही पेयर काफी ज्यादा अच्छा है, और ये वेस्टर्न वियर पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगा ये हार्ट शेप का इयररिंग। आपको इसमें कलर भी मिल जाएंगे, अगर मिल जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी, स्क्रीन पे इसके डिटेल भी दिख जाएंगे। ये जो है ये शनेल का ड्यूप है, सो देख सकते हो शनेल का ड्यूप, अगर आपको चाहिए तो ये वो शनेल का ड्यूप है। लुक एट द क्यूट सा स्टड, बहुत ज्यादा प्यारा सा स्टड है, और इस टाइप का स्टड बहुत ज्यादा पसंद है। आप देखे होंगे कि मैंने जब कोरियन इयररिंग्स की वीडियोस बनाई थी, मैंने इस टाइप के स्टड लिए थे और बहुत ज्यादा प्यारा लगा था। आप लोगों को भी बहुत ज्यादा, आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया है, तो देख सकते हो मैंने फिर से ये रैंडम फाइंड में ये स्टड खरीदा है। करो, बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। अगर आप बहुत ज्यादा इयररिंग हैवी नहीं पसंद करना चाहते हो तो ये इयररिंग बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। जो नेक्स्ट है बहुत ही ज्यादा क्यूट सा मिरर है। जैसा आप जानते हो कि मैंने अभी कोशिश किया है कि मैं थोड़ा अपना सेल्फ मेकअप सीख पाऊँ, तो उसके लिए मैंने ऑर्डर किया है, ये देख सकते हो स्क्रीन पे कि मैंने ये मिरर ऑर्डर किया है। सो ये वो मिरर है, इसमें एक स्टैंड आएगा लाइक दिस, पीछे से कुछ ऐसा है, और मैं टिल्ट करके आपको दिखाती हूँ। सो ये वो मिरर है, देख सकते हो सामने से ये कुछ ऐसा दिखेगा, आप बैक से ये कुछ ऐसा है, और मैं अपने आप को अभी देख पा रही हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। अगर आप चाहते हो तो मैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट रेकमेंड करूंगी जो कि सच में मीशो पे ट्रस्टेबल प्रोडक्ट्स हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ प्रोडक्ट के पिक्चर्स और उसके रियल पिक्चर्स, सो डेफिनेटली यू कैन बाय दिस। जो भी मैंने प्रोडक्ट दिखाए हैं सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, रिकमेंडेड प्रोडक्ट के भी लिंक मिल जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब मी, बाय इन केस यू वांट टू बाय, अदर देन दैट यू डोंट वांट टू बाय यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स फैमिली एनीवेयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी।